शोल्डर डिसलोकेशन में मोस्ट कॉमनली एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन ही होता है। तो बेटा अगर हमारी एज कम है, हम यंग है, तो फर्स्ट डिसलोकेशन के बाद रिकरेंट डिसलोकेशन के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अगर हमारी एज 50 से अबव है तो जो पहली बार कंधा निकलता है ना, तो ठीक होने के चांसेस अच्छे होते हैं बिना सर्जरी। सो अगर हम यंग है, उसके अंदर हमारा कंधा निकला, तो वो बार बार में निकलेगा ही निकलेगा। वो क्यों निकलेगा? ये हमारा शोल्डर है ना, शोल्डर निकले नहीं, इसके लिए व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये लेब्रम है, पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर जो उसको बाहर निकलने से बचाता है। जब पहली बार निकलता है तो ये लेब्रम टूट जाता है, ये लेब्रम है ये टूट जाता है और शोल्डर एंटी डिसलोकेट हो गया। दो चीज हो रही है, एक तो ये टूट गया, दूसरा यहाँ पे खड्डा हो रहा है, इनसेक्सिंग है, ये दो चीज हो रही है। तो जितनी बार डिसलोकेशन बढ़ेगा ना बेटा, तेरा ये हड्डी घिसेगी और ये हड्डी घिसेगी, दोनों हड्डियां घिसेगी। सो इनिशियली सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू डैमेज रहते हैं कि यहाँ का जो लेब्रम है वो फटा है, बाद में ये बोनी डिफेक्ट बनने लग जाते हैं। सो हर डिसलोकेशन तेरे को एक बड़ी सर्जरी की तरफ धकेल देगा, क्योंकि ये हेड में खड्डा होने लग जाएगा और ग्लिनोइड का ये बोन लॉस होने लग जाएगा। तो बस इसको मुझे वापस लेके आना चिपकाने। सो चिपकाने के लिए मैं आजकल टेप यूज करता हूँ, वायर यूज नहीं करता। तो नॉर्मल एंकर आते हैं, बट वायर होते हैं, वायर को जाती है गांठ बना, तो वायर काट देते हैं, टिश्यू कट थ्रू हो जाते हैं। तो कल को अगर ये टिश्यू तेरा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो मुझे तेरे कैप्सूल उसे भी पकड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में कैप्सूल रहता है, उसको पकड़े लेब्रम बना दे। सो लेब्रम को तो हम धागे से पकड़ सकते हैं, तो स्ट्रांग होता है, और जैसे ही मैं कैप्सूल को पकड़ता हूँ ना, इससे वायर से ये वायर कट थ्रू कर देगा कैप्सूल। सो बेटर रहता है कि आजकल ना टेप्स यूज होती है, मेनिस्कस और लेब्रम रिपेयर टेप्स होती है, टेप है ना, कट थ्रू नहीं करती। तो सिंपल सर्जरी है, नॉटलेस सर्जरी, हमने वायर डाल दिया, अब यहाँ पर टेप लगा देंगे, टेप के साथ साथ यहाँ कैप्सूल भी पकड़ लेंगे, यहाँ कैप्सूल होता है उसको भी पकड़ लेंगे, एक छोटा छेद करेंगे, एक एंकर होता है जिसमें छेद होता है, उसमें टेप निकाली और एंकर डाल दिया, कुछ लोग एंकर तो उसमें गांठ लगाने की जरूरत नहीं है, नॉटलेस एंकर होगा। तो ये देखिएगा टेप है, इज नॉट वायर। सो आजकल टेप यूज करते हैं, ये टेप लग जाती है, नॉटलेस सर्जरी होती है ना, चुपती है फटाफट, दो छेद में सर्जरी जाती है, 3 वीक्स तक बंधा रहेगा, एक डेढ़ महीने बाद ऊपर उठ जाएगा, फिर बैक टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग चालू होगी, गेम खेल सकता है आराम से। ये तो पूरा नॉर्मल हो जाता है लोग। आपको अपने रोटेटर को आप स्ट्रॉन्ग करनी है, ताकि वापस डिसलोकेशन ना हो, वो हम आपको ऑनलाइन सिखाते रहेंगे, आपको बार बार मानेंगे। देखिए हमारे साथ कराने का फायदा रहता है कि मेरे पास है ना स्पोर्ट्स रिहैब सेंटर है बेटा पूरा, बाकी सर्जन के पास नहीं है, डेवलप नहीं कर पाए, बड़े हॉस्पिटल में बैठे हैं कुछ लोग, उनके पास स्पोर्ट्स रिहैब होता नहीं, नॉर्मल रिहैब होता रहता है। सो बैक टू स्पोर्ट्स के लिए आदमी को स्पोर्ट्स रिहैब पे जाना पड़ता है, तो वी हैव अ डेडिकेटेड स्पोर्ट्स रिहैब सेंटर, आपको बार बार में आने की जरूरत नहीं, हम हर वीक कॉल करेंगे, हर वीक एक्सरसाइज सिखाएंगे, अपने कॉलेज में एक्सरसाइज करते रहो, ठीक है, तो ठीक है 2-3 महीने में देखो आ सकते हो, बाकी हम ऑनलाइन सिखा देंगे। आर्थराइटिस के इम्प्लांट है, जो आपका हिल सेक्स है उसमें रैम्प्लिसाइड प्रोसीजर करेंगे, वहाँ पर एंकर डालते हैं, वो बंद कर देते हैं, नॉटलेस रैम। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं, या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं, और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल फिजिकल एग्जामिनेशन करूँगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा, और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।